हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमें फाइंड करना है टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। एक आर रेडियस की ड्रॉप है जिसको हमने ब्रेक करा 27 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। तो एक बड़ी ड्रॉप को 27 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स में ब्रेक करने में जो वर्क डन होता है उसे हमने फाइंड करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक ड्रॉप है, बहुत बड़ी ड्रॉप हो गई लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, इसकी रेडियस आर है। इसको हमने क्या करना है, 27 स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देना है। मान लिया इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और हमें ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमने फाइंड करना है। तो क्या होगा, इस एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम ये 27 जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं इनके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि हम इसी को तोड़ के ये बना दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इन दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है ये वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स। तो एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम जो है 27 छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 27 छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इधर से हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन मिल जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमें मिला आर क्यूब इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। तो इसको सॉल्व करके अगर हम इसका क्यूब रूट कर दें तो आर इक्वल्स टू मिल जाएगा 3 आर। तो इधर से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन मिली कि जो छोटी ड्रॉप्स होंगी उनका रेडियस आर अपॉन 3 होगा। अब इसके बाद हमने वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है टी डेल्टा ए। तो पहले हमने क्या निकालना होगा, डेल्टा ए निकालना होगा, मतलब जो एरिया में चेंज हो रहा है वो निकालना होगा। अब हमने निकालना है चेंज इन एरिया। तो सरफेस एरिया में क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा ए इक्वल्स टू ये छोटी ड्रॉप्स का एरिया 27 इंटू एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एक बड़ी ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया इसका चेंज इन एरिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 4 पाई कॉमन आया, बचा 27 आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो आर की वैल्यू आर अपॉन 3 है, तो इधर पे आर की वैल्यू आर अपॉन 3 रख देते हैं। तो ये हो गया 4 पाई 27 स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 2 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये हमने निकाल दिया चेंज इन एरिया। तो वर्क डन क्या होता है, W इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, ये दिया होगा क्वेश्चन में, इसका सरफेस टेंशन मान लिया T है, तो कहीं पे S लिखे रहेंगे कहीं पे T लिखे रहेंगे। तो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, एरिया पे क्या चेंज हो रहा है, तो सरफेस टेंशन हो गया टी और एरिया पे चेंज हो गया 8 पाई आर स्क्वायर। तो यही वर्क डन हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया 8 पाई आर स्क्वायर टी। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक बड़ी ड्रॉप्स को छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक करना होगा। ये 27 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, कुछ भी होगा। उसके क्यूब रूट में अगर दिया है, जिसका क्यूब रूट हो जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले हमने क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल करना है। वॉल्यूम को इक्वल करने के बाद हमने रिलेशन निकाल देना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने चेंज इन एरिया निकालना है। तो जो ब्रेक करके जो एरिया बनता है होता है वो ज्यादा होता है छोटे वाले से। अगर हम इसको उल्टा भी माइनस कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये क्वांटिटी माइनस में मिल जाएगी, हमें चेंज इन एरिया पता चल जाएगा कि माइनस में है। माइनस का मतलब क्या है कि जो एरिया है वो डिक्रीज हो गया।
अगर हम 4πr² में से 27 4πr² को माइनस करते तो क्या पता चल जाता कि हमारा एरिया हमारा डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया एरिया। इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। तो हमने चेंज इन एरिया निकालना है, वो कैसे भी निकालना है, माइनस साइन आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एरिया ले लेना है, 8πr² हमारा एरिया आ गया। इसके बाद वर्क डन निकाल दिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और उसको सॉल्व कर देंगे। फिर अगर हमें यहाँ पे सरफेस टेंशन और रेडियस की वैल्यूज दी हैं तो हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हैं।